चुनावी तैयारियों में जुटी रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल विज्ञापन प्रमाणन और पैड न्यूज की होगी निगरानी। कलेक्टर ने एमसीएमसी कक्ष और मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। विधानसभा निर्वाचन 2023 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापनों में प्रमाणन तथा पैड न्यूज पर निगरानी के लिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी एमसीएमसी का गठन किया गया है। इसके द्वारा एमसीएमसी सेंटर सहायक संचालन पिछड़ा वर्ग कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर से निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियां संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने एमसीएमसी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आवश्यक उपकरण तत्काल संधारित करके निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मॉनिटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन लेकर तत्काल अनुमति जारी करें। सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी करें। यदि कोई अवांछित पोस्ट मिलती है तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। चुनाव प्रचार शुरू होने पर प्रिंट मीडिया के विज्ञापन तथा पैड न्यूज पर पूरी सावधानी से निगरानी रखें। व्यय लेखा टीम तथा निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रेषित करें। नोडल अधिकारी उमेश तिवारी ने बताया कि विज्ञापनों के प्रमाणन तथा पैड न्यूज की निगरानी के लिए समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सेंटर में 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के 2 विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। इसके बाद कलेक्टर ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करते हुए शिकायतों के निराकरण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान केंद्रवार मतदान सामग्री तैयार कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, सहायक नोडल अधिकारी शिव प्रसन्न शुक्ल तथा एमसीएमसी के सदस्य उपस्थित रहे। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। पोलिंग बूथ का जो निरीक्षण किया गया है, क्योंकि अपने यहाँ विधानसभा निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी 8 विधानसभाओं में पोलिंग बूथ की जो तैयारियां हैं, चाहे वो रैंप की व्यवस्था हो, पोलिंग बूथ में लिखावट का काम हो, शौचालयों की व्यवस्था हो, ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का लगातार अभियान चल रहा है। और चूंकि अब निर्वाचन की घोषणा भी हो चुकी है, तो इसीलिए लगातार सभी CEO जनपदों को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है कि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की जो भी संरचनात्मक सुदृढ़ उनको करना है, वो सभी काम CEO जनपदों द्वारा किए जाने हैं। RO सभी उसका सुपरवाइज उसको कर रहे हैं। कल हम लोगों ने जवा के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, जो कि सिरमौर विधानसभा में आता है, और कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अपने दूरस्थ थे। मतदान केंद्रों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही अच्छी दशा में था। कुछ नए भवन भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ जगह जहां शौचालय सही करने के निर्देश दिए गए, कुछ जगह लिखावट का काम अभी शुरू नहीं हुआ था तो वो जल्दी कराने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर के चूँकि अपने आप आचार संहिता प्रभावी हो गई है, लगातार चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जो मतदान केंद्र हैं वो भली प्रकार की अवस्था में रहें। और मतदान के दिन जो सभी मतदाता पूरे जिले भर के 18 लाख से अधिक मतदाता जब मतदान केंद्रों में पहुंचे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। संवेदनशील पोलिंग बूथों में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? आने वाले समय में जो भी हमारे क्रिटिकल या वल्नरेबल पोलिंग बूथ आएंगे, उनका जो निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश है उसके अनुसार डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, और उसके अनुसार जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी हम लोग ले रहे हैं। पोलिंग बूथ को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो ROs की जवाबदारी सभी विधानसभाओं में है। ओवरऑल जो नियंत्रण है और नोडल अधिकारी है वो सीधे जिला पंचायत को बनाया गया है। नगरीय क्षेत्र में कमिश्नर नगर निगम उसके नोडल रहेंगी, ताकि अपने अपने क्षेत्र के जो पोलिंग बूथ हैं उनमें कोई भी काम ऐसा है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की हो, रैंप की हो, बिजली या फर्नीचर की हो, उनको सभी को दुरुस्त कराया जा सके। इसके साथ ही साथ सभी विधानसभाओं में अब अपने कंट्रोल रूम भी प्रभावी हो गए हैं। कंट्रोल रूम में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है वो पूरी 3 शिफ्ट में पूरे समय उपलब्ध रहें, और कोई भी किसी भी प्रकार का विषय या किसी भी प्रकार का पॉइंट कंट्रोल रूम में आता है तो उसका निराकरण तय समय सीमा में किया जाए। इसके अलावा अपनी MCMC का जो कंट्रोल रूम है वो भी शुरू हो चुका है पिछले 3-4 दिनों से, और MCMC का जो कंट्रोल रूम है उसका मुख्य कार्य ये रहेगा कि कोई भी राजनीतिक दल या आने वाले समय में कोई भी प्रत्याशी अपने यहाँ कोई भी प्रिंट, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या केबल चैनल्स पे किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेंगे तो उन्हें एक बार पहले मीडिया
कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन कराना होगा और प्री सर्टिफिकेशन के बाद ही इस तरीके की गतिविधियां की जा सकेंगी। साथ ही ये कमेटी अखबारों में आने वाली पेड न्यूज़ पर भी अपनी नज़र रखेगी और कहीं भी अगर पेड न्यूज़ या इस प्रकार का कोई आर्टिकल पाया जाएगा तो उसे भी जो संबंधित व्यक्ति होंगे या संबंधित पार्टी है उनके व्यय लेखा में उसको जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके की तैयारियां और इस तरीके की टीम भी फंक्शनल हो चुकी है। रीवा जिले का जो बॉर्डर है वो इंटर स्टेट, हम लोग उत्तर प्रदेश के 2 से 3 जिलों का बॉर्डर शेयर करते हैं जिसमें चित्रकूट का थोड़ा एरिया आता है, प्रयागराज और मिर्जापुर का मेजर एरिया आता है। साथ ही मध्य प्रदेश में हम लोग सीधी मैहर और सतना जिलों से और अफकोर्स मऊगंज से सराउंडेड है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ टोटल मिलाकर के 21 चेक पॉइंट सभी जगह लगाए गए हैं। और इन 21 चेक पॉइंट पर इस बार विशेष बात यह है कि न सिर्फ पुलिस की टीम रहेगी बल्कि आरटीओ की, एक्साइज की, फॉरेस्ट की भी टीम्स को एक इंटीग्रेटेड नाका तैयार किए गए हैं ताकि इन पर भलीभांति सघन परीक्षण किया जा सके, निरीक्षण सघन हो। और साथ ही साथ जो इंटर स्टेट क्रॉस बॉर्डर मीटिंग्स हैं वो भी प्लान की गई हैं। अपने यहाँ की जो मीटिंग है वो 17 तारीख को रखी गई है जिसमें आसपास के सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी मीटिंग में शामिल होंगे ताकि निर्वाचन के समय भली प्रकार से समन्वय बनाया जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।